डियर व्यूवर्स, अ वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? तो आज तो मैं सुबह सुबह 7 बजे नहा धो के फ्रेश हो गई, क्योंकि आज मुझे गांव जाना है। हमें इंस्टीट्यूट से गांव भेज रहे हैं और वहां पे हमें स्कूल, एक दिन स्कूल में सर्वे करना है और अगले दिन गाँव में सर्वे करना है। तो उस वजह से मैं जल्दी उठ कर नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और मुझे जाना है अभी 8:30-9 बजे के करीब। तो कौन सा सर्वे है, क्या है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय। सो अब मैं रेडी होके रूम से निकल गई और मेरे साथ जा रही है मेरी कज़न सिस्टर। वो पिछले कल गांव चली गई थी और मैं आज जा रही हूँ। आज हमें स्कूल में सर्वे करना है और कल गांव में सर्वे करना है। तो चलिए चलते हैं गांव। तो अभी हम शॉपरानंग में रुके हैं, बाकी चाय पीने के लिए गए हैं। मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ क्योंकि मुझे चाय नहीं पसंद। तो अभी हम PHC आए हैं और PHC के शुभारंभ के लिए वन उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी और उनके साथीगण यहाँ पे आए हैं। जो कार्यक्रम था वो ख़त्म और अब मैं यहाँ से घर जा रही हूँ आधे से पैदल। तो यहाँ से मुझे लग जाएंगे 1.5 आवर और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो ऐसे में चलना मुश्किल हो रहा है मेरा। बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज सैटरडे है, फिर कल संडे है तो स्कूल ऑफ होगी। तो आज हमें सर्वे करना है स्कूल में, फिर गांव में, फिर उसके बाद वापस रिकॉन्गपियो जाना है। तो फिलहाल तो चलते हैं और अभी टाइम हो रहे हैं 11:43 और देखते हैं घर कब पहुंचती हूँ मैं, फिर बताती हूँ जैसा भी रहता है आप लोगों को। तो अभी मैं चाचू के पास जा रही हूँ, सिस्टर यहीं पे है। अभी हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गाँव जाएंगे और ऊपर जाना है अभी हमने, और यहाँ पे 2 कुत्ते हैं। तो अब हमने लंच कर लिया और अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ से 1.5 आवर्स लग जाएंगे ऊपर गांव पहुँचने में। तो ऊपर जाना है, हाँ, तो चलते हैं मज़े मज़े से, और धूप भी बहुत तेज़ है। तो अभी हम यहाँ पे छस्तैन के पास पहुँच गए और यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हम कहाँ से पैदल चलकर आए हैं। वो जो वहाँ पे नीचे खड़े है, वहाँ से मैं पैदल चल के आई और यहाँ पे चाचू का घर है और यहाँ पे हमने लंच किया और उसके बाद हम यहाँ से चल के यहाँ भी 6 दिन के पास पहुँचे हैं। यहाँ से हमें ऊपर गांव के लिए 10-15 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद हम पहले घर जाएंगे, फिर उसके बाद स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद शाम को देखते हैं गांव-गांव में जाते, गांव-गांव नहीं सॉरी घर-घर में जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये छोटा सा छोस्तन, तो यहाँ पे ये मेरा घर। बस अब हम पहुँचने वाले हैं, तो अब हम
घर पहुंच गए और अब हम यहाँ से स्कूल जा रहे हैं। तो चलिए स्कूल दिखाती हूँ आज मैं। ये भी बहुत पुराना है ना, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मोटा पेड़ है। और ये हमारा उखियंग सनथंग है और अभी हम फोटो ले रहे हैं। तो अभी हम हमारे श्री बद्रीनारायण जी के टेंपल में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और स्कूल में सर्वे तो कर लिया हमने, और अब हमें यहाँ से घर घर जाके सर्वे करना है। और अभी 3:30 हो रहे हैं तो बच्चे तो 4 बजे ही आएंगे, इसलिए हम थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं 4 बजे तक, उनका वेट करते हैं, फिर उसके बाद घर घर जाके सर्वे करेंगे। तो पास कचरा जमा हो रहा था, सीमा ने सबको समझाया कि जानवर गंदे पानी के कारण बीमार हो रहे हैं। सबने मिलकर तालाब साफ किया। तो 4 घरों में हमने सर्वे कर लिया, अब 5वां घर जा रहे हैं। कुछ घर तो ऐसे थे जहाँ पे छुट्टी होके बच्चे घर तो गए, और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे और बच्चे थे ही नहीं घर पे। तो अभी देखते हैं कितने घरों में जाते हैं हम, बने रहिए। तो अभी तो हम मेरे नाम राशि के घर में जा रहे हैं, काजल काजल के घर में। नमस्ते नमस्ते। अभी कितने हैं? अभी 7 है टोटल। 2, 4, 6, 7। माता का नाम रिकॉर्ड करके विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, हाँ विजय लक्ष्मी। तो 5 घरों में सर्वे करके हम फिर से मंदिर आ गए, और अभी मंदिर का दरवाज़ा खुला था तो हमने सोचा देवता जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद और घरों में जाते हैं। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं और लाइट कम है, उस वजह से क्लियर नहीं दिख रहे हैं। आसमान में बादल छाए हैं, तेज हवा चल रही है, बिजली भी चमक रही है, जोर से बारिश हो रही है। तो सर्वे करते करते 9 ही बज गए, और अभी मैं घर जा रही हूँ, सिस्टर बुआ के पास चली गई। और रात को भी हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम, दिन के टाइम और सुबह के टाइम तो लोग भी नहीं मिल रहे, वो भी काम का सीज़न चला है, तो फिर वो खेत में जा रहे हैं या फिर कहीं अरे परे जा रहे हैं। तो एक रात को ही मिल सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सुबह जाना पड़ेगा। बाकी 11-12 तो अभी कर लिया हमने, बाकी जो बचे हुए हैं वो सुबह करते हैं। सो बाय, गुड नाइट, मैं भी घर जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम फिर से अपने ड्यूटी पे चल पड़े, और अभी हम फिर से सर्वे करने आए हैं। और यहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे चला हुआ है हाँ, और अभी 6-7 घर रहते हैं, वो करेंगे, फिर उसके बाद हम रिकॉन्ग भी हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे बच्चे मिलते भी हैं या नहीं घरों में। और अब तो हम सर्वे करते करते इतनी हाइट पे आ गए कि यहाँ से अब जंगल शुरू हो रहा है, यहाँ से ऊपर घर नहीं है अब किसी का। हाँ, ये लास्ट घर है, अब यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम वापस नीचे गांव में जाएंगे, फिर वहाँ पे करेंगे 3-4 घर, फिर उसके बाद हमारा सर्वे ख़त्म। तो चलिए इस घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं घर। ये ख़त्म घर है, हाँ यहाँ से ख़त्म, और वहाँ नीचे से, और यहाँ पे ये मुर्गियों का घर, मुर्गा मुर्गियों का। और अब हम चल पड़े यहाँ से दूसरे घर की ओर। ये मेरे गांव का सबसे मेहनती लेबर निखिल माथस, आए तो घर।
और ठेकेदार मामू उधर यहाँ सब गोरखी और गोरखनी है यहाँ पे तू है ना। और यहाँ पे सेब तोड़ के पैक कर रहे हैं। अब हमारा सर्वे कंप्लीट और अभी हम घर आ गए और गर्मी इतनी थी कि क्या बताए, गर्मी से हालत ख़राब होगी घर घर जाके। फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा सर्वे जैसे तैसे और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा गांव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।